नाइल रिवर का इस पार्ट में रहता है नाइल क्रोकोडाइल, इसलिए पूरे जगह पे कोई नाता नहीं है, कोई बोट भी नहीं देख सकते। यहाँ पर एक खतरनाक नाइल क्रोकोडाइल। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन द आसवान सिटी। सो अभी मैं जा रहा हूँ आसवान का जो मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज़ द आसवान हाई डैम। आसवान हाई डैम देखने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली जो नाइल रिवर के ऊपर सबसे बड़ा जो डैम है, यही है आसवान डैम। नाइल रिवर का जो पानी को रोक के रखा गया है, तो आसवान डैम बहुत ही खूबसूरत जगह है, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो उसको देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। बिकॉज मैं गूगल में सर्च किया था आसवान के बारे में, आसवान डैम का बहुत पिक्चर मैंने देखा था। तो चलिए सामने से भी देख लेते हैं आसवान डैम कितना खूबसूरत है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड आसवान डैम के ऊपर से। ये ओल्ड आसवान डैम बनाया गया था नाइल नदी के ऊपर में बाय द ब्रिटिश 1902 में ये ओल्ड डैम बनाया गया था ब्रिटिश। अभी न्यू डैम भी है, तो ये देख सकते हो नाइल रिवर को पूरा ब्लॉक करके रखा गया है, उसका जो पानी का फ्लो बाहर चलाना चाहिए इसीलिए। दोस्तों 75 इजिप्शियन पाउंड का टिकट खरीद के मैं आ चुका हूँ हाई डैम के अंदर। अब जा रहा है डेस्टिनेशन हाई डैम के, जिस जगह को टूरिस्टों के लिए रखा गया है वहाँ पर भी जाएंगे। ये हाई डैम के ऊपर से ही हम लोग जा रहे हैं, आप शायद देख सकते हो ये डैम का साइड में रेलिंग है, उसके पीछे ही है नाइल रिवर। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ हाई डैम पे। ये है नाइल रिवर जिसका पानी को रोका गया है, और मैं और उमर भाई अभी आ चुके हैं ये आसवान डैम में। एक डैम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करके सिर्फ टूरिज़्म के लिए आइडियल बनाया जा सकता है, ये मुझे पता नहीं था। बट आसवान डैम को जस्ट देखिए, लुक एट द ब्यूटीफुल आसवान डैम, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये नाइल रिवर है, द वाटर कलर इज़ ब्लू कम्प्लीटली, और यहाँ से नज़ारा तो माशाल्लाह इज़ जस्ट ऑसम। तो गाइज आप देख सकते हो नाइल रिवर का जो इस साइड है, ये बहुत ही मीन्स बिग है एंड बहुत ही जाइंट साइज के वाटर देख सकते हो। और यहाँ का जो खास बात है, नाइल रिवर का इस पार्ट में रहता है नाइल क्रोकोडाइल, इसलिए पूरे जगह पे कोई नाता नहीं है, कोई बोट भी नहीं देख सकते। यहाँ पर एक खतरनाक नाइल क्रोकोडाइल। नाइल क्रोकोडाइल है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस क्रोकोडाइल में से एक है, तो नाइल क्रोकोडाइल का ये अड्डा बोल सकते हो, इसीलिए कोई नहीं नहाता, कोई नहीं जाता। सोच सकते हो आई वॉज प्लानिंग टू टेक बर्थ ओवर हियर, बट उमर बोला मुझको डोंट टेक बर्थ हियर बिकॉज देयर इज हंग्री नाइल क्रोकोडाइल्स। और ये डैम को क्रॉस करके लोग उस तरफ नहीं जा सकते हैं, उस तरफ है सिटी, मेन सिटी इज देयर एंड देयर इज नो क्रोकोडाइल। ओके सिटी, ओके, बिकॉज दे कांट क्रॉस द हाई डैम। सो जस्ट थिंक, जस्ट लाइक नाइल क्रोकोडाइल को आपने डिस्कवरी चैनल में देखा था, नाइल क्रोकोडाइल में हमने सुने थे, द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग द प्लेस ऑफ द नाइल क्रोकोडाइल। सो ट्रस्ट मी गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड। लेकिन थैंक्स सो मच टू ब्रिंग मी ओवर हियर टू जस्ट शो मी द प्लेस ऑफ द नाइल क्रोकोडाइल, बिकॉज ट्रस्ट मी आई ओनली हर्ड अबाउट नाइल क्रोकोडाइल इन डिस्कवरी चैनल इन एनिमल प्लैनेट्स, आई हैव हर्ड देयर स्टोरीज, बट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम एक्सप्लोरिंग द प्लेस ऑफ नाइल क्रोकोडाइल। आई कैन शो यू द नाइल क्रोकोडाइल। हैव यू सीन नाइल क्रोकोडाइल? या यू सो, आई होल्ड इट बट नॉट हियर इन एनिमल वर्ल्ड। ओके, होल्ड इट बाय द माउथ एंड यू कैन होल्ड इट एंड थिंक। माय गुडनेस, सो गाइज आसवान डैम का ट्रिप खत्म करके मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। सो गाइज एक्सपीरियंस वॉज सो नाइस ओवर हियर।